सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हम, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने इससे पहले आपको पॉलिटिकल मैप करवा चुका हूँ ऑलरेडी, और बाकी अगर आप मैप में माहिर होना चाहते हैं इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर मैप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती है। पहले बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे देख चुके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसमें हमें स्टेट्स दिए होते हैं, जो कि मैं करवा चुका हूँ पहले, और फिजिकल मैप ये होता है जो ब्लैंक होता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताया तो अड़ोस पड़ोस के जो देश है वो, तो ध्यान से कि स्टेप बाइज करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर में ये इतना बड़ा सा खाली दिख रहा है, ये है हमारा चाइना। ठीक है, देन उसके नीचे जो ये लंबा सा दिख रहा है, ये है नेपाल। इसके बाद यहाँ पर जो जाओगे ये इतना सा छोड़ के, तो ये है भूटान। ठीक है, ये जो ऐसे करके दिख रहा है यहाँ पे, ये है म्यांमार। एंड देन इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ, ये इस तरह से दिख रहा है बना हुआ बीच में, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके बाद ये क्या है हमारा, ये है हमारा श्रीलंका। इसे हम नेबरिंग कंट्रीज में नहीं मानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो सबको पता ही होगा, पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान। अच्छा, मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कि अफगानिस्तान के बाद इधर के साइड कौन सा देश पड़ता है, मुझे कोई कमेंट करके ज़रूर से बताना ही है। तो चलिए अब मैं आपको इसके अंदर का करवाता हूँ, जिसके लिए मैंने, ये तो नेबरिंग कंट्री है तो पता होगा आपको, अब इसके अंदर का करवाते हैं, आराम से अलग अलग पेन से करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले देखो, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, कोई भी मैप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ कहते हैं, नीचे साउथ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। अब अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ, जो तमिलनाडु है वो साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, इसे ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, इसे वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। देन इसके बाद ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, इसे भी हम ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, साउथ ईस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से होगा। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जस्ट ऐसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, कुछ ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बस बोलते हैं। तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, इंडिया के अगर हम, मैं आपसे तीन हिस्से करूँ, ठीक है, मान लो ये इंडिया है, तो ये ऊपर जो है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, इसको हम नॉर्थ इंडिया बोल देते हैं, बीच वाले हिस्से को हम मिडल इंडिया भी बोल देते हैं, और नीचे वाले को साउथ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में हमारी क्या है, ऊपर में हमारी पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। देन बीच में अगर मैं बात करूँ तो बीच में क्या है, बीच में प्लेन एरिया है हमारा। और ये साउथ इंडिया की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे हमारा प्लेटू है, जिसे आप पठार कहते हैं। प्लेटू क्या होता है, ये हमारा पहाड़ हो गया, पहाड़ को काट दिया, पहाड़ को काट दिया, तो ये हमारा जो आएगा निकल के, ये हो गया हमारा प्लेटू। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलिए मैं करवाता हूँ आपको, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या है ऊपर में, तो ऊपर में हमारे हिमालयन रेंजेस है। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये हमारे हिमालयन रेंजेस है, यहाँ पे नेपाल तक गया हुआ ये, तो ये क्या है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इंडिया इंडिया का, ये क्या है हमारा, ये जो हमारा, ये हमारा हिमालयाज है। ठीक है, आप नेपाल तक भी ऐसे करके ले सकते हो, रेड कलर से जो मैंने करा है, ये क्या है, ये यहाँ पे हिमालयाज है, हिमालयन पर्वत। हिमालयन या हिमालयाज आप लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम ये नीचे करके आए और, तो अब हमें कुछ डेजर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। कौन से डेजर्ट मिलेंगे आपको, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये राजस्थान है, राजस्थान में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट। इधर कौन सा डेजर्ट है हमारा, थार डेजर्ट। गुजरात साइड में भी थोड़ा सा है, तो थार डेजर्ट।
यहाँ लिख देता हूँ मैं थार डेजर्ट, ठीक है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना, इधर के साइड हमारा आ गया थार डेजर्ट, थोड़ा बहुत गुजरात में है। एंड देन एक जो है हमारा पहाड़ भी है, ये पर्वत कह लो हम, माउंटेन कह लो, वो कौन सा माउंटेन रेंजेस है, तो ये है हमारा राजस्थान में ही है, ये है हमारा अरावली। रेड कलर से मैं एक चीज़ याद रखना, रेड से माउंटेन बना रहा हूँ, ब्लू से डेजर्ट बनाया है, अरावली, ठीक है। अरावली कहाँ पे है, तो यहाँ पे राजस्थान वाले रीजन में आपको अरावली मिल जाएगा। अच्छा थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ज़्यादा लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं इधर से ही और नीचे आऊँ तो क्या आएगा, हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो वेस्ट में क्या आ जाएगा हमारा, वेस्ट में आ जाएगा हमारा, रेड से ही होगा क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट, ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट। अच्छा ये कोई घाट नहीं है, पहाड़ है, उसी का नाम है वेस्टर्न घाट, बस ये पहाड़ है, ठीक है, ये मत सोचना कि कोई घाट वगैरह होगा। ये हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, ये पर्वत का नाम है, जो माउंटेन है ना उसका नाम है, ठीक है। तो आपको उतना नहीं सोचना है। देन इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि साउथ इंडिया में क्या है, इधर जो है हमारा डेक, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेक्कन प्लेटू, यानी कि दक्कन का पठार, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं, ये बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि और प्लेटू नहीं है इंडिया में या और चीज़ें नहीं हैं, है बहुत कुछ है, उतना करोगे तो वो एक अलग से पूरा सिलेबस ही बन जाएगा, वो सब मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, इसके बाद क्या आता है हमारा, हाँ ये जो है हमारा एक कच्छ आ गया, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ खम्भात, ठीक है। तो ये दो जो है ये हमारा गल्फ हो गया। इसको मैं कौन से पेन से लिखूँ, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। पिंक जो मैंने करा है, गल्फ ऑफ कच्छ, खाड़ी बोलते हैं इसको, एंड इसको गल्फ ऑफ खम्भात, खम्भात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्भात, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं आपसे और बात करूं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, अब मैं अगर आपसे बोलूँ तो जैसे सतपुरा रेंज हो गया हमारा, विंध्या रेंज हो गया, गुरु शिखर हो गया, देन इसके बाद बात करूँ छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, तो इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें। तो चलो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, सबसे पहले प्लेटू करते हैं ब्लैक पेन से। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इस वाले रीजन में इतना, ये हो गया हमारा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया हमारा विंध्या रेंज, अरावली के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले रीजन में विंध्या रेंज, VINDHYA, विंध्या रेंज। देन विंध्या रेंज के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसी के थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ सतपुरा रेंज, तो ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे, और अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे जो है क्या है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बोलूँ तो दोदा बेटा, अन्ना मुड़ी, अन्ना मलाई पहाड़ों के नाम पर, वो सब एक अलग टॉपिक है। ये मैंने क्या दिया आपको, बेसिकली ओवरव्यू दिया कि ऊपर जो है हमारे माउंटेन्स है, बीच में प्लेन है, नीचे जो है हमारा ये क्या है, नीचे क्या है,